हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं SRS वाइब्स। आपको पता है जैसा कि मैं ट्रैवलिंग मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूँ, अलग जगह को एक्सप्लोर करना अपना हॉबी है, अपने ब्लड में है। तो इसके लिए आज मैं ट्रैवल सर से जाकर के पानीपत तक, एक्चुअली मैंने जब जिप्सर परचेस किया था लास्ट लगभग 3 महीने हो चुके हैं, उसके बाद से ये फर्स्ट मेरी राइड है जो कि लॉन्ग राइड है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस के बाद ऐसा कोई प्लान नहीं बना है कि मैं बहुत लॉन्ग राइड पर जाऊँ। छोटे छोटे राइड मैंने आपको दिखाए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, जैसे कि बिलासपुर दिखाया आपको, दिल्ली का दिखाया, द्वारका का दिखाया, करोलबाग दिखाया, बहुत सारे राइड आपको दिखाए। सारे के लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे करके आप बाकी सारे वीडियो मेरे को देख सकते हो। इस वीडियो में मैं ट्रैवल करूंगा, यहाँ से मानेसर से निकलूंगा और जाऊंगा पानीपत। एक्चुअली प्लान क्या हुआ था कि कल है होली का फेस्टिवल, तो अचानक प्लान बना तो मैं जस्ट यहाँ से अभी निकलने वाला हूँ, यहाँ से निकलूंगा लगभग अभी सुबह के 9-10 बज रहे हैं, हम यहाँ से निकलेंगे पानीपत के लिए। तो अभी एक जाएंगे, सबसे पहला काम है एक फ्रेंड के रूम पे जाएंगे, वहाँ थोड़ा होली सेलिब्रेट करेंगे, गुलाल वुलाल लगाएंगे, उसके बाद वहाँ से हम निकलेंगे, क्योंकि होली का फेस्टिवल है यार। आप सबको पता है कि फैमिली को हम लोग कितना मिस करते हैं जैसे कि बाहर में रहते हैं। आप लोगों को पता है कि मैं बिहार से हूँ, तो लगभग यहाँ से 1200 किलोमीटर है। प्लान था एक्चुअली हमें कि मैं बाइक से ही जाऊँगा, बट ड्यू टू सम रीजंस कि मैं नहीं जा पाया, तो बट कोई इशू नहीं, हम यहाँ से निकलेंगे पानीपत की तरफ, काफ़ी इन्जॉय करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे तो जस्ट गाइस, अभी सबसे पहला काम था बाइक की वॉशिंग करवाना, तो अभी जस्ट मैं आ गया था यहाँ पे बाइक की वॉशिंग करवाने के लिए, और देख सकते हो आप लोग काफ़ी अमेजिंग लग रहा है बाइक, क्योंकि ये मैंने खुद से सेल्फ मॉडिफाई किया, स्टिकर वगैरह जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे, ग्रीन कलर की जो मैंने रैप हल्की सी की है वो भी मैंने खुद से की है, सारा मॉडिफिकेशन मैंने खुद से ही किया है। तो टाइम आ गया अपने भाइयों को हैप्पी होली करने का, तो हैप्पी होली करके हम यहाँ से अब निकलेंगे। थोड़ा सा रंग अबीर लगा दिया हूँ, मैं भी लगा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से हम निकलेंगे सबसे पहले अपने एक फ्रेंड के रूम पे, और वहाँ पे जा कर के सब होली खेलने वाले हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे पानीपत की तरफ। तो अपने दोस्तों के साथ कुछ इस तरह से हमने होली को एंजॉय किया, और अपने बाइक पे भी अबीर लगाया, काफ़ी मज़ा आएगा इस। तो हम यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर अपने दोस्त के रूम पे, तो चलो मिलते हैं। तो आप सभी को भी हैप्पी होली मेरी तरफ से। अभी जस्ट हम बांस गांव हैं, और अभी मेरे को स्ट्रेट जाना है यहाँ से, चलो भगाते हैं। तो गाइस हम यहाँ होली खेल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, और निकलेंगे अब यहाँ से पानी। हैप्पी हैप्पी होली। चलो गाइस, तो हम रेडी हैं यहाँ से निकलने के लिए, जा रहे हैं पानीपत। तो ये अमेजिंग सी ब्यूटीफुल सी जर्नी, लगभग 140 किलोमीटर। बैठ जा। चलो बाय बाय, हैप्पी होली सबको, हाथ मिलाओ। तो गाइस यहाँ से होली खेलते हुए अपने घर से यहाँ से निकल रहे हैं। बाय, बैठ जा, मंगलवार को मिलते हैं। हाँ बैठ जा। ओके गाइस, तो हमारा स्टार्ट हो रहा है 1018 किलो। खोपड़े भी ये लगेगा बार बार। चलो चले। ओके बाय बाय, हर हर महादेव। तो गाइस मैं यहाँ से निकल चुका हूँ अभी मानेसर से, और अपना डेजिग्नेशन है जो वो है पानीपत होली के लिए, होली स्पेशल। तो सामने है मारुति सर्कल, और हम मारुति सर्कल से होते हुए निकलेंगे।
यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा है 138 किलोमीटर की जर्नी दिखा रहा है मेरे फोन में। तो देखेंगे कैसा लगता है यहाँ से जाने के बाद और कैसा ये राइड एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जिक्सर का मेरा फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस है इतना लंबी दूरी के लिए। तो ये है मारुति सर्कल, अभी हम मारुति सर्कल पे हैं और यहां से लेंगे लेफ्ट। और ये आ गए हम बांसगांव। तो अभी जस्ट आई एम ऑन बांसगांव। ये है लेबर चौक, ठीक है स्पेशल है और हम होली में जा रहे हैं अपनी बुआ के घर। प्लान तो बहुत था कि इस बार एक अच्छी राइड करें, अप्रोक्सीमेट 1100 किलोमीटर का प्लान था कि अपने घर के तरफ जाएं, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स मैं नहीं जा सका अपने घर के साइड। तो इस बार प्लान किया हूँ कि क्यों ना अपने बुआ के घर जाया जाए। और ये चीजें बहुत अच्छी लगती है जब सारे लोग हेलमेट लगा के चलते हैं। और ये जाएंगे हम आगे सामने जयपुर वाले एक्सप्रेसवे पे, दिल्ली जयपुर का एक्सप्रेसवे है सामने, वो दिख जाएगा। लॉन्ग राइड जब भी चलो तो बहुत ही ज्यादा पेशेंस, और स्टार्टिंग का राइड में कभी भी हड़बड़ाना नहीं है, आप आराम आराम से चलो। देखो ये दिखा रहा है दिल्ली इस साइड है, जयपुर इस साइड है, तो हमें जाना है दिल्ली की साइड, तो हम दिल्ली वाले साइड निकलेंगे यहाँ से। और मुझे चढ़ना है ऊपर, तो मेरे को कहीं से अगर कट मिलेगा तो मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। खराब है बट नो वे। तो ये है 200 मीटर का और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई एम ऑन द वे टू द दिल्ली, दिल्ली दिल्ली के साइड से हम निकलेंगे, तो बहुत ही मजा आने वाला है राइड में। इस साइड आप देख सकते हो ये है वाटिका, तो अभी हम वाटिका चौक क्रॉस कर रहे हैं और हमें जाना है स्ट्रेट, तो हमें कहीं भी मुड़ना नहीं है, हम स्ट्रेट स्ट्रेट यहाँ से निकलते जाएंगे। यार बाइक कितना इजीली देखो 102 103 इस तरह की स्पीड पकड़ती है। टोल रोड, तो हम टोल भी क्रॉस कर चुके हैं लगभग, अभी मुझे हुए हैं टाइम। राइट नाउ आवर डिस्टेंस इज 127 किलोमीटर। तो आज का व्यू यार काफी अमेजिंग है, इसलिए मुझे आज मजा आ रही है बाइक चलाने में। ये हम पहुंच चुके हैं अभी लगभग ये है, आगे से सोना जाएगा, बट हम अभी हैं राजनगर के पास। रोड आज यार काफी खाली मिल रही है, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कूड़ा उलटे हुए जा रहा है, ये गलत चीजें हैं, इससे गंदगी बहुत ज्यादा फैलती है। तो कृपया करके अगर आप ये गाड़ी चलाने वाले देख रहे हो तो इस चीज पर ध्यान रखो यार, इस चीज को ढक करके रखो आप। हवा इतनी तेज चल रही है ना यार, आई कांट। ये
ये एयरपोर्ट की वजह से गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ट्रैफिक होता है, बट इतना ज्यादा नहीं होता है, गाड़ियाँ चलते रहती है, स्टक नहीं होती है, बट हाँ स्पीड स्लो हो जाती है गाड़ियों की। तो ये चीज आप भी ध्यान रखो, जब भी इस तरह के एरिया में आ रहे हो तो कहकर अपनी गाड़ी की स्पीड को मिनिमम लेके चलो, बढ़िया है, अच्छा है। कंप्लीट काम चल रहे हैं इस कंस्ट्रक्शन, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि यहाँ का जो एयरपोर्ट है ये अब यहाँ पे पैरेललिज्म भी आएगा, मतलब कि है मल्टीपल एयरलाइंस एक साथ ही यहाँ पे लैंड करेंगी और उड़ान भी भरेंगे, मतलब टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों एट अ टाइम होगा, ठीक है। धौलापुआ 5 दिल्ली 16, हमें आगे से अंदर घुसना है। आई थिंक हमने रॉन्ग वे ले लिया। चलो तो हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट, अंदर अंदर से जा रहे हैं गाइस। राइट नाउ द डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेट 101 किलोमीटर। तो हमें यहाँ जाना था, और गाइज अब मैं आपको मिलूंगा जब मैं एक्सप्रेसवे पे चढ़ूंगा, क्योंकि बैटरी हो चुकी है, होने वाली है कैमरे के डाउन, ठीक है। चलो तो मिलता हूँ एक्सप्रेसवे। तो अभी हम हैं दिल्ली कैंट में, थक गया छोटू, आई लव दिल्ली कैंट, थक गया हाँ। अभी बच रहा 97 किलोमीटर, ये आगे से पकड़ाएगा एक्सप्रेस वे रिंग रोड से। ये कौन सा मेट्रो स्टेशन आ गया भाई, गाइस दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के नीचे से जा रहे हैं। गाइस राइडर के लिए नहीं, इतनी तेज हवा चल रही है, मतलब मैं इतना जैकेट वैकेट पहना हुआ फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। मायापुरी, मायापुरी मेट्रो स्टेशन। बढ़िया, चलो ज्यादा दूर का नहीं है। पश्चिम बिहार जर पंजाबी बाग स्थापने हैं आजादपुर। देख सकते हो गाइस द ब्यूटी ऑफ। सो जस्ट गाइस 2 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लिया है, क्योंकि अभी मेरा भाई भोपाल से आ रहा है, तो उसका दिल्ली में ट्रेन एक मिस हो गया था, तो उसकी वजह से मैं वो भी पानीपत आने वाला है, तो बस उसकी वजह से 2 मिनट मैंने कहा यहाँ पे ब्रेक लिया और थोड़ा पानी वानी पिया। आशा करूंगा अभी तक आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। सो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, काफी 10-15 मिनट का थोड़ा ब्रेक हो गया था और हवा बहुत तेज चल रही है। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और सीधा हाईवे जाकर के अ सिंगल स्टॉप लेंगे एक पंजाबी बाग पश्चिम।
लॉरेंस रोड, शुक्रपुर गांव, आजादपुर। काफ़ी लंबी ट्रैफिक है गाइस, बहुत लंबा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। पीरागढ़ ही तो गाइज हमें यहाँ से लेना है अंदर के साइड, दिखा रहा है करनाल, आजादपुर, ISBT, तो हम इस साइड लेंगे। ऊपर ऊपर निकलेंगे, हाँ मतलब ये गाड़ी तो जा रही है ना चंडीगढ़ भी सबकी। अच्छा यहाँ भी ट्रैफिक मिल गई है, ये देख सकते हो गाइस कितना बड़ा कचरे का पहाड़ है ये, और सामने आप देख सकते हो चंडीगढ़ करनाल सबका यहाँ पर लगा हुआ। हाईवे पे आपका स्वागत है। अब बोल रहा हूँ 19 किलोमीटर स्ट्रेट चलना है हमें, 18 किलोमीटर स्ट्रेट। चलो गाइस अब भगाएंगे बाइक। ट्रैफिक देख सकते हो गाइस इस रोड पे कितने ज्यादा है, दिल्ली एंट्री करने के लिए। पेट्रोल लेना पड़ेगा भाई, तो पेट्रोल का जो इंडिकेटर आ चुका है। ये सिंधु बॉर्डर है क्या? लुक एट दिस रोड गाइस, लुक एट दिस रोड। पानीपत 68, सोनीपत 26। चंदो ओ भैया, बाबा रोड देख रहे हो? चलो गाइस एक बार भगाते हैं।
तो गाइस सामने का रोड है यहाँ पे बंद और हम लेफ्ट लेंगे। भाई साहब अच्छा खासा खींचा गया ना छोटू, अच्छा खासा खींचा गया। क्या जाम लगा है क्या? अरे ये बंद है ना, ये पूरा बंद किया गया है, आगे से चढ़ेंगे। क्यों? अरे बताया नहीं कि साल लग गया था। अच्छा वो वाला मैटर है। हैप्पी होली भैया, देसा भाई है कैसे? अच्छे से दे दो, ठीक है। हर बार साल में एक बार आती है होली, एक दिन खाएंगे तो आई करेंगे जिंदगी भर। हाय हाय, 10 रुपए दे रही होली। अरे रख लो रख लो, भी पीछे भी देते आया हूँ। यही रुक नहीं का, इतने दूर का दिक्कत होगा। पेट्रोल पंप में है जगह छोटू? है जगह फुल। तो गाइस पेट्रोल हो गया था खत्म। यार जितना आ रहा है खत्म हो गया। हालत कैसे हो रहा है? होली है भाई होली। तो गाइस देखो पेट्रोल ले लेता हूँ। एक मैंने बैटरी रखा, ये डाउन हो गया। हेलो, पता क्या हवा लगता है ना, ये हेलमेट में हवा घुसता है। कभी भी चेहरा मत घुमाना ऐसे, चल रहे ना तो चेहरा सामने रखो, ऐसे मत घुमाना, आगे मत लाने, बोला आ जाएगा यार, फिर चाबी लगाना पड़ेगा। फुल कर दे। तो गाइस काफी यहाँ ट्रैफिक है, एक्चुअली रोड बंद है, ऊपर हाईवे का काम चल रहा है। तो सो गाइस ऊपर का रोड जब तक बंद रहेगा तब तक यही दिक्कत है। बहुत हवा चल रही है गाइस, बहुत हवा चल रही है। तो गाइस जस्ट यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक लिया था और हमने चाय वाय पी ली है, अब निकलेंगे आगे क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा था। किसी तरह से हमने आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो अब चाय वाय पी लिया है, अब यहाँ से निकलेंगे पानीपत की तरफ, ठीक है। तो आगे की राइड को इंजॉय करो, मज़े करो। तो देख सकते हो हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है क्योंकि गर्मी और हवा बहुत ही ज़्यादा तेज लग रही है। तो गाइस एक अच्छा ब्रेक हो गया 10 मिनट का, अब निकलेंगे। ये मेरा भाई का एक अलग ही बहन रोता रहता है, हेलमेट नहीं लगा पाता है। अब चढ़ेंगे हाईवे पे फिर से बहुत देर के बाद। चलो लेट्स स्टार्ट द राइड। पानीपत सोनीपत ये आ गया है पानीपत में इंटर करने के लिए टोल पहला, जिस पे मुझे कोई भी पैसे नहीं देने हैं। पैर में दर्द हो गया भाई। दिस रोड लाइन
तो गाइस जस्ट वी हैव टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक। मेरा भाई फर्स्ट टाइम राइड कर रहा है ना, तो उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और मेरे मक्खी मर गई है मेरे मिरर पे। ओ भाई मिरर पे।